स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। और आज हम लोग बात करेंगे कैनन ईओएस R6 के बारे में। तो आइए समझते हैं, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड था लेकिन लोग थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही हाइप हो जा रहे थे। और बात ये समझिए कि ये अभी रिलीज हुआ है, जुलाई 2020 में ये मार्केट में आया। मतलब अब जाके कैनन के साइट पे इसका PDF आ रहा है, अब जाके इसका दाम आ रहा है, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से देखें। और ये कैमरा है 20 मेगापिक्सल फुल फ्रेम कैमरा। मुझे कैनन की ये बात बहुत पसंद आ रही, कैनन एक भी APS-C R माउंट के लिए रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि APS-C जब आप ढंग का बनाएंगे वो इतना ही दाम लग जाएगा जितना फुल फ्रेम का है। और फुल फ्रेम के पास ज्यादा बड़ा लेंस सिलेक्शन होता है, प्लस जो लो लाइट परफॉर्मेंस आती है, डायनेमिक रेंज इंप्रूवमेंट आता है, वो सब तो रहता ही है। तो मुझे फुल फ्रेम ही ज्यादा पसंद है, और खास करके जब आप लगभग इतने लाख 2 लाख में बात कर रहे हो तो फुल फ्रेम ही सही रहता है, तो ये बहुत अच्छा है। प्लस इसमें कैनन ने आईबस दिया है, और आईबस के साथ जो कैनन के पुराने सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि डुअल कार्ड ना होने के चलते प्रोफेशनल उसे प्राइमरी कैमरा की तरह पे यूज नहीं कर पा रहे थे, वो समस्या इसमें सुलझा दिया है। अब यहाँ पे कैनन नेक्स्ट लेवल पे है। कैनन का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काफी साल से चल रहा है, मेरे कैमरा यानी कि कैनन 800D जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें भी डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है। बेस्ट, काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको इस डुअल पिक्सल के सामने दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें ये उससे भी ऊपर चलेगा, डुअल पिक्सल 2, मतलब पूरी तरह से नया टेक्नोलॉजी है। जितना लर्निंग किए थे ये डुअल पिक्सल से, अब उसको डाल के एक नया वर्जन बनाए डुअल पिक्सल 2। तो डुअल पिक्सल 2 में ऐसा क्या बात है, आप और हमको उतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं उनको लगेगा यार थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है। और दूसरा मेन जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अब इनको कवरेज बताना नहीं पड़ता है। जनरली अभी तक आप सुनते आ रहे थे कैमरा में कि 90% कवरेज है, DSLR के केस में 20 सेंटर में ही सिर्फ कवरेज रहता है, लेकिन मिररलेस में ऑलमोस्ट 95% के आसपास रहता है। यहाँ पर उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फुल सेंसर फुल कवरेज आ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और अब कैनन जो कि मतलब डुअल पिक्सल में इतना पॉलिश कर चुका है, तो ये लोग अब एल्गोरिदम में मेहनत कर रहे हैं। ये बात ज़रूर समझिए कि हार्डवेयर अकेले कोई काम का नहीं होता है जब तक उसमें ढंग के सॉफ्टवेयर ना हो। तो यहाँ पे अब जो सोनी, मतलब सोनी ने हार्डवेयर बहुत पहले बना लिया था, फिर उसको सॉफ्टवेयर को पॉलिश करते 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 IAF तक चले गए, एनिमल IAF तक चले गए, ये अब कैनन उस जगह पर आ रहा है काफ़ी स्पीड से। और ये कैमरा का अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने देखा था ये लगभग 2.16 लाख का इंडियन मार्केट में दिखा रहा है। आपको मार्केट में कम में मिल सकता है, ज़्यादा में मिल सकता है, लेकिन ये दाम मुझे कैनन के साइट में मिला। और अगर डॉलर्स में आप बात करना चाह रहे हैं तो $2500 के आसपास का टारगेट प्राइस रखा गया है। तो ये है कैनन ईओएस R6 यानी आर माउंट के लिए नया कैमरा रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं ये किन के लिए है। तो ये कैमरा जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लोगों को संतुष्ट कर सकता है, ये इसका बहुत अच्छा बात है। मतलब जनरली कैमरा में जैसे कि मैं कोई कैमरा का बताऊँ, जैसे कैनन का ही 5D Mark III, वो थोड़ा अलग तरह का कैमरा है, वो थोड़ा भारी भरकम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, उस तरह का उसका दाम भी है, तो वो हर किसी को आप नहीं बोल सकते। फिर वहीं पर जो उसके प्रोफेशनल लाइनअप है जिसका सेंसर इसमें उठा के डाला गया, वो इतना महंगा है कि महंगा तो छोड़ दीजिए, भारी इतना कि आम आदमी नहीं उठा पाएगा, लेकिन वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के लिए एकदम फाइन ट्यून करके बनाया गया है। तो वैसे ही समझिए कि जनरली कैमरे काफ़ी हाई एंड वाले में ये होता है कि वो सिर्फ एक काम कर सकता है अच्छे से, तो यहाँ पे ये वैसा नहीं है। ये है काफ़ी बड़े मार्केट को ये कवर कर सकता है, और उसमें से जैसे नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए तो बम बम है ही, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पीड काफ़ी अच्छी है, वो भी कर सकता है। फिर बात करते हैं फैशन वोशन, उसमें भी काफ़ी अच्छा चीज़ कर सकता है। मतलब एक भी जगह पर आपको ऐसा नहीं लगेगा ये नहीं काम कर पाएगा, ये काफ़ी बड़ा कवरेज कर पाता है। और यूजेबिलिटी का रेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें वीडियो को भी ढंग से दिया था। मैं कैनन का R लेने से सबको मना कर रहा था, RP लेने को कह रहा था, कि RP जेन्युइनली कम दाम में एक अच्छा कैमरा दे रहा था, और प्लस फुल फ्रेम दे रहा था वो, मतलब बहुत कम दाम में, तो वो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे ये समझिए उसी फिलॉसफी को लिया और आगे तक ले गया। तो वीडियो में देने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कैनन के पुराने कैमरे में वीडियो था ही नहीं, मतलब फुल फ्रेम कैमरा खरीद रहे हो और कैमरा में इतना गंदा क्रॉप कर रहा था कि आप माइक्रो फोर थर्ड पर आ जा रहे थे, तो लोग मतलब बोले भाई फ़ायदा क्या हुआ मैं माइक्रो फोर थर्ड ही ना ले लूँ। और प्लस जो रिसेंटली खरीदे थे वो सोनी A6100 खरीदने पर आ गया कि भैया A6100 में मुझे एटलीस्ट APS-C फुल तो मिल रहा है, और प्लस कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, तो आप मतलब पूरा जितना लंबा चाहे रिकॉर्डिंग कर सकते, 1 घंटा 2 घंटे तक लोग आराम से रिकॉर्डिंग पहुँच जा रहे थे, क्योंकि वो सोनी का लगभग ये 3rd जनरेशन पर है। तो सोनी ये बहुत सारा समस्या सुलझा चुका है, जहाँ पे ये ओवरहीटिंग ये सब काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं। तो ये जो कैनन का कैमरा, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छे से संतुष्ट करें, क्योंकि इसमें वो क्रॉप नहीं दिए। वीडियो में जो क्रॉप है वो 1x
1.06 या 0.07 है, मतलब लगभग ना के बराबर है। हाँ, उनको फर्क पड़ेगा जिनका, मतलब मान लीजिए लेंस ऑलरेडी 12 mm यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाएगा 13 या 14 mm, तो उनको थोड़ा सा अनॉय कर सकता है। तो उसके लिए कैनन बोल रहा है भैया आर से मतलब इसका बड़ा भाई R5 ले लो, लेकिन R6 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको क्रॉप नहीं पता चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत संतुष्ट कर सकता है। तो कुछ लोग होंगे जो इससे संतुष्ट नहीं होंगे, वैसे कौन से लोग हैं जो लोग हाई मेगापिक्सल पे रहते हैं। हाई मेगापिक्सल ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप 20 मेगापिक्सल से 60 पे चले गए तो एकदम 3 गुना डिटेल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, लेकिन डिटेल बढ़ता है, ये बात एकदम मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप किसी न्यूज़पेपर का फोटो ले अच्छे लेंस के साथ, यह ज़रूरी है कि आपका लेंस गदगद होना चाहिए, एकदम अच्छे लेंस के साथ फोकस करें, आप तुरंत अंतर बता पाइए वो न्यूज़पेपर कितने दूरी पर आप पढ़ पाते हैं, वो बढ़ते चला जाता है जैसे जैसे आपका मेगापिक्सल बढ़ते जाए, ऐसा नहीं हो 3 गुना दूरी पर पड़ जाए लेकिन एटलीस्ट डबल बढ़ जाता है। तो इस कारण से जो लोग 60 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो लोग, उनको तकलीफ होगा कि 20 मेगापिक्सल काफ़ी नीचे आ गया है, 24 और 20 में उतना अंतर नहीं है। और खास करके कि ये सेंसर उठाया गया प्रोफेशनल वाले से, इसमें रोलिंग शटर काफ़ी कम है, जीरो नहीं है लेकिन काफ़ी कम है, और उससे लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो काफ़ी सारा चीज़ है, लेकिन वही लोगों को मतलब थोड़ा सा चुभने, और कुछ लोगों को जिनको आदत पड़ गया जो मेगापिक्सल ही बेचते हैं, जैसे मान लीजिए काफ़ी जगह पर लोग क्लाइंट कर सकते हैं कि मतलब हमें फ़ोटो खिंचाना है, तो मतलब फोटोग्राफर बोल सकता है कि देखिए 20 मेगापिक्सल का ये रेट है, 40 मेगापिक्सल का ये रेट, जनरली कोई करता नहीं है लेकिन मैंने सुना है एक दो तीन लोग ट्राई मारते हैं ये करने, तो उन लोगों को हो सकता है भाई ये कैमरा उतना ना पसंद आए, लेकिन मेगापिक्सल को अगर आप हटा दें, एक यूज़ करना है मुझे ये कैमरा, उस मामले में ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारे लोगों को संतुष्ट कर सकता है। ये मतलब वो कैनन हो गया जिस कैनन के कारण कैनन पॉपुलर हुआ था, तो ये काफ़ी बड़ा अच्छा मार्केट में लाया। अब बात करते हैं कैनन क्रिपल हैमर का, हर चीज़ को जो तोड़ देते हैं, तिकड़म लगा देते हैं, तो क्या इसमें नहीं हुआ? काफ़ी हद तक कहें ये नहीं, मतलब ये लग रहा है 100% दे दिया कैनन जो दे सकता था। तो लेकिन फिर भी दो तीन चीज़ आपको परेशान करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, दो तीन चीज़ आपको परेशान करेगी। सबसे बड़ा परेशानी जो आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कैनन USB-C दे रहा है, गदगद बम बम चीज़ है, लेकिन उसका हैंडशेक आज तक ये ठीक से नहीं कर पा रहा है। पता नहीं कैनन क्यों नौटंकी कर रहा है कि इसमें पावर डिलीवरी का जो स्टैंडर्ड है, यानी पावर डिलीवरी में ज़्यादा वोल्टेज भेजा जा सकता है, मतलब आप लगभग 100 वाट तक भेज सकते हैं। पावर USB-C का पावर डिलीवरी बनाया गया था लैपटॉप चार्ज करने के लिए, तो ये सब चार्ज करना बच्चों का खेल है, लेकिन चूंकि वो वोल्टेज भी बढ़ाता है एम्पेयर भी बढ़ाता है, उसमें हैंडशेक का एक प्रोटोकॉल है, यानी सेंसर IC जो है वो बात करेगा कि चार्जर से, अडाप्टर से, कि भैया तुम हमको दो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो नहीं हो पाता तो वो डिफॉल्ट कर जाता है 5 वोल्ट पे डिफॉल्ट कर जाता है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है, कुछ ही पावर बैंक या कुछ ही अडाप्टर इसको ठीक से कर पा रहे हैं, और कैनन का जो खुद का अडाप्टर है वो बल्ले बल्ले काम कर रहा है, यानी कि इनका हैंडशेक जो है अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हो कि मान लीजिए इनके पास एक ही बैटरी है, उनके लिए बैटरी क्रेडल अच्छा आइडिया नहीं है, और इसमें बैटरी बदला गया, भले पुराना वाला लग जाए लेकिन पुराना वाला USB चार्जिंग नहीं सपोर्ट करेगा, तो मान लीजिए आप बिना बैटरी क्रेडल के रहना चाहते हैं, एक ही बैटरी है आपके पास है, तब USB चार्जिंग ज़्यादा बेटर आइडिया है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका अडाप्टर चार्ज कर पाता है कि नहीं, यह डबल चेक कर लीजिए, उसी के बाद खरीदिएगा। कोई पावर बैंक आप चेक करना चाहते हैं जिस पर लिखा हुआ पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड है, वो फूजी को अच्छे से चार्ज कर लेगा, पैनासोनिक को चार्ज कर लेगा, कैनन बोलेगा नहीं हम नहीं करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा तकलीफ होने वाली बात है। फिर एक चीज़ जो जेन्युइनली अजीब है कि इसमें, चूंकि ये वीडियो पे फोकस कर रहे हैं, आप इनके साइट पे जाइए, ये दिखा रहे हैं अल्टीमेट 4K कैमरा, इसमें ऑल आई रिकॉर्डिंग मिसिंग है। ऑल आई का मतलब ये होता है कि वीडियो फाइल जो है हम लोग शेयर बहुत करते हैं, तो इसलिए उसमें कंप्रेशन बहुत मारा जाता है, तो कंप्रेशन का सबसे बेटर जगह होता है कि फ्रेम को कंप्रेस मत करो, फ्रेम्स को कंप्रेस कर दो। मतलब क्या हो गया, तो आपका जो रेजोल्यूशन, जैसे आप मेरा ये फ्रेम देख रहे हैं, इतना बड़ा जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये जो कहते हो रहेगा, बस एक मतलब एक सेकंड में 30 हो रहा है, जैसे मेरे करंट रिकॉर्डिंग में एक सेकंड के अंदर 30 फोटो लिया जा रहा है, उसमें से हर दूसरे को ये हटा देगा, उसके जगह एक एल्गोरिज्म डाल देगा कि इस जगह में ये चेंजेस हुए थे, तो उससे थोड़ा सा क्वालिटी घटता है लेकिन फाइल साइज काफी कम हो जाता है। तो ये मतलब नॉर्मल मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए, व्हाट्सएप शेयरिंग वगैरह के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन जो लोग वीडियो में काम करते हैं, जिनका काम है, उनके लिए ये फॉर्मेट से बुरा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप मान लीजिए लाइट रूम में लाए, लाइट रूम में नहीं, मतलब आप अडोबी प्रीमियम में लाए, डवंची रिजॉल्व में लाए, या जो भी आपका एडिटर था उसमें लाए, जैसे ही आप प्ले हेड ले आते हैं, कंप्यूटर को वो प्रोसेस करना पड़ता है कि भैया इस फ्रेम में क्या दिखाऊं, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे फ्रेम में ऐसा हुआ यहां कुछ डेटा ही नहीं, यहां बस एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है कि क्या चेंजेस हुए, तो ये रुला देता है कंप्यूटर को, और जब भी आप इसमें कट कीजिएगा, स्लाइस कीजिएगा, रेंडर कीजिएगा, बहुत टाइम लेता है।
तो इसीलिए लोग जो मतलब वीडियो सीरियसली लेते हैं जनरली ऑल आई रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी हर एक फ्रेम को रिकॉर्ड करो। साइड इफेक्ट फाइल बड़ा हो जाता है, बेनिफिट आपका कैमरा कम गर्म होता है क्या कि उसको प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही है, दूसरा आपका एडिटिंग भी आसान हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर को नहीं प्रोसेसिंग करनी पड़ रही, पैकेजिंग आसान हो जाता है। तो वो इसमें हटा दिए जो कि R5 में है, तो यहाँ पर ये सेंस नहीं बना क्योंकि R5 का मेन सेलिंग पॉइंट है 8K। तो भैया इसमें ये क्यों रिपल कर रहा हूँ? इसमें एक बंदे ने बोला है अभी रिसेंटली कि जापान वाले साइट में ये लीक किया गया है कि नया फर्मवेयर आएगा जो इसको फिक्स कर देगा। गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये बात के बारे में सतर्क रहें, ध्यान दें। काफी लोग एक्सटर्नल रिकॉर्डर सिर्फ इसी बात के लिए करते हैं भैया ऑल आई मिल जाए, क्योंकि ऑल आई का एडिटिंग वर्कलोड जो है बहुत कम होता है, और चूंकि जो लोग प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग के बिना काम कर रहे हैं उनको ऑल आई एकदम चाहिए, नहीं तो 4K आप दे दीजिएगा एडिटिंग करने तो हो गया। तो ये एक अजीब चीज़ है जो कि मतलब आराम से कर सकते हैं, मतलब उससे कैमरा ओवरहीट कम होगा क्योंकि उसको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी कि इस फ्रेम के लिए क्या एल्गोरिदम डालें, तो वो अजीब चीज़ है। फिर एक चीज़ जिस कारण से मैं दुखी हो गया वो है कि इसमें अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट है। अब आप बोलेंगे नहीं ओवरहीट होने का बात है, नहीं बात यह है कि फुल एचडी में क्यों रिकॉर्डिंग लिमिट है। यूरोपियन यूनियन ने एक नौटंकी लगाया हुआ था कि अगर आपका कैमरा 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता है तो उसे वीडियो कैमरा घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वीडियो कैमरा का मतलब टैक्स ब्रैकेट बड़ा हो जाता है, तो वो मतलब जैसे होता है ना कि आप कितना कमा रहे हो उस हिसाब से आपका टैक्स बढ़ते चला जाता है। तो मतलब स्टार्टिंग में आपका मान लीजिए भले 20% टैक्स देना, फिर 25% हो, वैसा ही हो जाता था वीडियो कैमरा। इसीलिए सारी कंपनी यूरोपियन यूनियन के अलग मॉडल बनाने की जगह पे ये कि भैया एक ही बनाओ, उसमें 29:29 का वो रखता है, 29:59, मैं 29 लिख दिया, 29:59 का लिमिट दे दो। और शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम और भी थे, जैसे कि 4GB का फाइल साइज लिमिट था तो रिकॉर्डिंग कर भी नहीं पाते थे। अब वैसा नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने हटा दिया, इसीलिए सोनी के अब जितने नए आ रहे हैं जैसे A6100, A6400, A6600, A7R Mark IV, ऐसे ऐसे करके जितने आ रहे हैं सब में वो लिमिट हटा दिया गया है क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन ये नौटंकी हटा चुका है। और पैनासोनिक के कैमरा में जैसे कि GH5 में वो लोग दे देते थे, वो पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए GH5 बहुत महंगा था, तो उसमें भी लिमिट नहीं है। इसमें क्यों है? और आप बोल सकते हो कि 4K में ओवरहीट हो रहा है, ठीक है भैया मैं फुल एचडी कर रहा हूँ तब क्यों आप कर रहा हूँ? और वो सब में वही आ रहा है कि फुल एचडी में भी ऑल आई नहीं है। मतलब मैंने इनका पीडीएफ पढ़ लिया और पीडीएफ भी इनका अजीब है क्योंकि इस पर डेट लिखा हुआ है। पीडीएफ में जनरली डेट नहीं रहता, लिखा रहता है ये मैनुअलाइज कैमरे का, डेट क्यों लिख रहे हैं? मतलब चेंज हो सकता है, चांसेस है कि फर्मवेयर चेंज करते तो फिर से उनको पीडीएफ लिखना पड़ जाए। मैं आपको कहूँगा सबसे पहला लिंक इस वीडियो के नीचे में वही है जो आपको साइट पर ले जाएगा। हर चीज़ में ये ऑल आई डिसेबल करते रहे हैं और हर में ये 29:59 का जो लिमिट है वो जेन्युइनली मतलब काफ़ी लोगों को अफसोस करेगा क्योंकि बहुत लोग ये पैंडेमिक के दरमियान बहुत लोग लंबा लंबा वीडियोस बना रहे हैं जिनको क्लासेस करने हैं या लाइव स्ट्रीमिंग बहुत लंबा करना है, वो 29 का लिमिट ले डूबेगा। तो ये मामला काफ़ी लोगों को चुभ रहा है। प्लस इनका जो टेम्परेचर रेटिंग है कि कितने टेम्परेचर में कितना ओवरहीट होगा वो सारा 23 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है। 23 डिग्री सेल्सियस कम होता है, टेक्निकली 25 पे होना चाहिए, इसलिए आप सोलर पैनल देखेंगे तो 25 पे रेट किया जाता है, ये 23 पे रेट कर रहे हैं। आप बोलिए 2 डिग्री से क्या फर्क, दो डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब लो त्रिडम लग रहा है, इसीलिए आपको सभी लोगों को कहूँगा थोड़ा रुक जाएँ क्योंकि भारत में आएगा जब ये बारिश का मौसम खत्म होगा तब ठंडे में तो बम हो जाए, लेकिन गर्मी में पता चला आप गए शादी में कैमरा आपका बार बार अटक जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये 29:59 पर रिकॉर्डिंग रोकता है तुरंत फिर स्टार्ट कर सकता है, रोक दिया अगर ओवर हीटिंग के चलते तो मिनिमम 5 से 10 मिनट तक ये अटका रहेगा जैसे सोनी अटकता था। तो वैसे ही ये बात पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसीलिए मैं कहूँ अभी रश मत करें। गर्मी में जब किसी को इसका रिव्यू दे दे या गर्म जगह पे या बता दे कि मेरा एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, इंडिया में आपको 23 डिग्री सेल्सियस बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसीलिए वो बात पे थोड़ा सा सतर्क रहे, जनरली वो 25 होना चाहिए था। और एक चीज़ जो वीडियो अब ये हर चीज़ पे वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो फोकस कर रहे हैं, एक चीज़ पे जो ये लोग अजीब चीज़ किए हैं कि टाइप डी HDMI दे दिया है, यानी कि माइक्रो HDMI, यानी कि ये छोटा वाला, ये कौन नौटंकी है भाई? मेरे कैमरा में यानी कैनन 800D में टाइप सी है जो कि मिनी है, मिनी जनरली टूटता नहीं है तुरंत, ये सब तो इतना नाजुक होता है लगाते ही टूट जाता है, लोगों का भरा पड़ा है लिस्ट, और ये केबल भी बहुत महंगे आते हैं। मतलब भाई कैमरा देख रहे बॉडी इतनी बड़ी है कि जगह का कमी तो बोल नहीं सकते, फुल साइज़ नहीं देते तो मिनी तो देते, भाई कैनन 800D में मेरे पास है, मतलब जो है उससे गया गुजरा क्यों दे रहे हो? तो वो थोड़ा सा एक जेन्युइनली अनोइंग चीज़ है क्योंकि अगर वो दे देते बहुत लोग होता है ठीक है ना, कैमरा चूंकि 10 बिट आउटपुट दे सकता है आराम से 10 बिट आउटपुट को लेके एक रिकॉर्डर में ऑल आई का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बस गदगद खुश रहते हैं, वो नहीं करने दे रहा है कैनन। मतलब ये माइक्रो पोर्ट के चलते लोग को इसको एक क्लैंप लगाना पड़ेगा, क्लैंप के ऊपर एक स्ट्रेन रिलीफ लगाना पड़ेगा तब जाके कोई इसको इस्तेमाल करेगा, तो परफेक्ट कैमरा नहीं है। मेन जो जेन्युइनली अनोइंग है कि भैया लो रेजोल्यूशन पे भी ये 29 मिनट का लिमिट क्यों है और ऑल आई हटा देना वो जेन्युइनली मतलब सीरियसली।
अब बात करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। ये जिस टाइम बना रहा हूँ अमेजोन ये मतलब दिखाने लगा है, और चांसेस है कि आपको 1-2 हफ्ते के अंदर शायद एक्चुअल डिलीवरी भी मिल जाए। लेकिन मैं कहूँगा सोनी के लिए इंतज़ार करें। क्यों? क्योंकि कैनन अब वहाँ पहुँचा जहाँ पर सोनी पहले से था। अब बोले सोनी तो 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं कर पाता, सोनी 2-3 साल पहले बनाया था ये सब कैमरा। मतलब एक पूरा प्रोसेसर जनरेशन पीछे जा रहा है। प्लस सोनी के पास अब इतनी एक्सपीरियंस हो गई है, उनका कैमरा में रिकॉर्डिंग लिमिट हट चुका है, ओवर हीटिंग का इशू सॉल्व हो चुका है। मतलब परफेक्ट अभी भी नहीं, किसी का नहीं हुआ है परफेक्ट। इसीलिए वीडियो कैमरा या सिनेमा कैमरा में बढ़ के पंखे लगते हैं ठंडा रखने के, वो कारण है किसी कारण। लेकिन और सोनी खास करके जो अनाउंसमेंट कर रहा है कि A7S Mark III रिलीज करेंगे, और उसमें टोटल उनका सेलिंग पॉइंट है न्यू थर्मल डिजाइन, बहुत अच्छा चांस है कि वो बहुत अच्छा कैमरा निकल सकता है। और सोनी को सिर्फ कुछ ही चीज़ सुधारना है जो उनको गदगद करेगा, जैसे कि सबसे बड़ा जो 30 मिनट लिमिट रन है हट चुका है, 8 बिट की जगह 10 बिट जाना है, हो सकता है, संभव तो नहीं है, और फ्लिप आउट देना है। फ्लिप आउट देने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये जापानीज लोग हैं, इनको मरना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, और सोनी का हिस्ट्री पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चांसेस है कि सोनी बहुत अच्छा कैमरा ना निकाले, लेकिन अच्छा बहुत निकाल सकता है। मतलब जेनुअनली सोनी को सिर्फ 1-2 चीज़ ट्विक करना है, वो जेनुअनली कैनन आ चुका है। और अगर ये $2,000 पे उतार दिए, यानी कि 1,50,000 में उतार दिए इंडियन मार्केट में, तो जेनुअनली फ़र्क पड़ेगा। और उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हर किसी को कहता हूँ कैमरा खरीदने से पहले लेंसेस को चूज़ कर लें। EOS R का, मतलब मैं EOS पुराने मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, EF माउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, R माउंट की बात कर रहा हूँ। R माउंट में नेटिव लेंस बहुत नहीं है, बहुत सारे लेंस मिसिंग है। और प्लस जो लेंसेज बनाए गए हैं, लेंसेज के 3-4 कैटेगरी बनाए, जैसे 20-70, मतलब कोई बनाया है 28-70 बना दिया है, तो उसका रेंजेस होंगे। जैसे F1.8 का अगर कोई जूम बनाया तो फिर दूसरा बनाया जाएगा F2.8, ताकि आप हल्का हो, कैरी कर सकें और बजट पर आसान रहे। मतलब इसीलिए एक ही लेंस रेंज का 2-3 मिल जाते, 2-3 एपर्चर में ऑप्शंस मिल रहे, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। अभी आर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप एकदम जो भी कैनन का लेंस है उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक मिड रेंज, एक हाई एंड और एक मतलब अल्ट्रा, वैसा नहीं हुआ है। तो लेंस सेलेक्शन बहुत कम है, और हमेशा कहता हूँ कैमरा खरीदने से पहले लेंस देख लीजिए मन लायक है कि नहीं। और फिर थर्ड पार्टी सपोर्ट तो है ही नहीं, तो जैसे कुछ कुछ यूनिक लेंसेज जो कि मुझे सोनी में देखने लगा, जो कि टैमरॉन ने बनाया, बहुत भयानक इंजीनियरिंग है, 28-200, और वो भी F2.8 है वाइड एंड पे। तो मतलब जेन्युइनली फर्स्ट लेंस, मतलब एक लेंस आप बॉडी खरीदे, लेंस लगाए और काफ़ी लंबे तक तुम संतुष्ट रह सकते हैं, वो है जेन्युइनली बहुत अच्छा लेंस है, और दाम भी बहुत पागल जैसा नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को सोनी अभी भी बहुत लोग रिकमेंड करेंगे, भैया लेंस तो ले पाओगे, लेंस ही नहीं है तो फ़र्क क्या पड़ता है कैमरा बॉडी का। इसीलिए और सोनी का वो जिन लोगों को वीडियो लंबे टाइम तक करना है, वो तो सीधे बोलेंगे भैया 30 मिनट का लिमिट तो देगा नहीं, क्योंकि A9 में हटाया जा चुका है और A R सीरीज़ में भी हटा चुके हैं, तो S में तो हटा ही देंगे। और अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए सोनी आता है और थोड़ा ही अच्छा रखता है, या मतलब लगभग उतना ही आता है जितना कैनन है, उसके चलते दाम तो घट जाएगा। इसीलिए ठंडे दिमाग से शांति रखें, देखिए क्या आने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है ये वीडियो जिस टाइम अपलोड हो रहा है उसके 1-2 हफ्ते के अंदर, या हो सकता है जिस टाइम मैं ये अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम सोनी रिलीज़ कर दे। तो मैं कहूँगा अभी ठंडे दिमाग से थोड़ा वेट करें, और प्लस इंतज़ार करें कि लोग उसका थर्मल टेस्टिंग करने लगे R6 का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS R6 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मेरे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर, मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।